गाइस ये हूँ मैं और ये है मेरा फ्रेंड रेक्सी और हम दोनों मिलके लॉयल एसएमपी के अंदर 5 करोड़ से भी ज्यादा करेंसी को ड्यूप करते हैं और इसके बावजूद एडमिन को पता चलने के बाद भी हम सर्वर से बैन नहीं होते। आखिर क्यों? एक सेकंड गाइस, किसी ने बैल बचाई, मैं अभी आया। तो गाइस काफी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे और यूट्यूब ने फाइनली इसका रीजन बता दिया। तो अभी मेरे को यूट्यूब ने ये भेजा है कि आप में से कोई एक बंदा है जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उसी की वजह से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो गाइस आप में से जो भी वो बंदा है ना भाई, प्लीज एक बार सब्सक्राइब का बटन चेक कर लो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हमको जल्द से जल्द 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं एंड वीडियो को भी एक लाइक कर देना। एंड अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, आगे भी आ जाओ जाओ। हेलो बल्कि, अरे भाई एक सेकंड, एक अरे 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 कर कर, ओए दंगे। भाई बल्कि बताए नहीं क्या इन्हें? खरीद चुका हूँ भाई, गार्ड करना है तुम्हें, मुझे मारना नहीं है, ठीक है? खरीद चुका है बल्कि, ने तो पैसे नहीं दिए हमें, मैं क्या करूँ। हाँ भाई बल्कि, बॉयज मैंने जो है 30,000 रुपए लिए हैं डैडी से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब सब में बटेंगे, तो इसको मारना नहीं है। वोल्ट आते मारने लगे, सॉरी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी डैडी, सॉरी। कोई नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे पूरी जो है डाकू गैंग तेरे लिए एक्चुअली एक बैड और एक गुड न्यूज लेके आई है। तू क्या सुनना चाहेगा पहले ये बता? ठीक है तो पहले गुड न्यूज सुना दे भाई। पहले गुड न्यूज सुननी है तो देख, तो पिछली बात को याद हो तो तूने जो है ऐसे ही सर्वर में बहुत पैसा बांटा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गया था। तो मैं गया था एडमिन के पास में। तो गुड न्यूज तो ये है कि एडमिन एक्चुअली एक हफ्ते की छुट्टी पे है, तो मैं तेरा बैलेंस चेक नहीं करवा सकता अभी। एक सेकंड, तो ये मेरे लिए गुड न्यूज कैसे हुई भाई? वेल वो तो ठीक है, पर तो चलो बैड न्यूज सुन, तेरे को वो फिर पता चलेगा। देख, एडमिन ने जाते जाते एक चीज डाल के गया सर्वर में जिससे हम किसी भी प्लेयर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो आई एम अबाउट टू डू दैट, तेरा बैलेंस मैं अभी चेक करता हूँ। टेडी गेमिंग बैलेंस इज 0,000 रुपीज। एक सेकंड, व्हाट भाई? तेरे को बोल रहा हूँ बल्कि भाई, मेरे पास नहीं है कुछ भी पैसे। मेरे पास वो जितने भी पैसे आए थे वो मैंने मिशंस वगैरह करके लिए थे, दूसरों को काम करके लिए थे भाई। कहाँ से आएंगे यार बल्कि मेरे पास इतने पैसे? भाई मैं इतना पीसफुल प्लेयर हूँ यार बल्कि। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक यार भाई, तूने मेरे पे शक किया, बस यही काम था। बहुत आ जाओ, मेरे को यही पूछना था, बस यही बात है। ठीक है तो मैं चलता हूँ फिर भाई। और बल्कि को मेरे पे पूरी तरीके से शक हो चुका था और मेरी इन्वेंटरी में करोड़ों रुपए भरे पड़े थे और एडमिन भी जल्दी वापस आने वाला था। और जैसे ही एडमिन मेरी रीसेंट ट्रांजेक्शन देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। इसलिए जल्द से जल्द मेरे को कोई प्लान बनाना था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि सबसे पहले इन पैसों को मैं किसी रैंडम जगह छुपा देता हूँ, इससे पहले ये किसी के हाथ लगे। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो बल्कि को मेरे पे शक हो चुका है और दैट्स व्हाई मैंने सारे के सारे पैसों को यहाँ पर छुपा दिया है। और अब फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, ओके। और अब मेरे को जल्दी कोई प्लान बनाना पड़ेगा भाई, समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। और एक सेकंड, मेरी इन्वेंटरी में एक सिल्कर बॉक्स तो रह गया, अब इसको मेरे को वापस से छुपाना होगा। अरे यार भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई इतने सारे पैसों को मैं जल्दी कहाँ से छुपाऊँ, क्योंकि एडमिन भी जल्दी आने वाला है और जैसी वो मेरी रिसेंट ट्रांजेक्शन देखेगा मेरा सर्वर से बैन होना तय है। डैडी तेरे को जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, जल्दी सोच जल्दी। रैंडम जगह छुपाने के बाद मैं किसी प्लान के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी बल्कि का मेरे को दोबारा मैसेज आता है। हेलो बल्कि भाई, आ गया मैं बैंक पे, क्या हो गया? ओ यो व्हाट्स अप भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रखा है? परेशान तो रखो भाई, मैं से क्यों बोल रहा परेशान रखा है? क्या मतलब है तेरा भाई? ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे वैसे नहीं हो रहे? पैसे ही चले गए भाई, कहीं देख के दे लग रहा तेरे। कौन से पैसे यार? नहीं है मेरे पास कोई भी पैसे यार बल्कि, क्यों परेशान कर रहा है भाई? अच्छा तो नहीं बोलेगा बेसिकली मुद्दे की बात है। एडमिन था एक हफ्ते की छुट्टी पे, बच्चे हैं उसकी छुट्टी में 2-3 दिन, उसके बाद वो आएगा, तेरी और रेक्सी के ट्रांजैक्शंस देखेगा और भाई आई डोंट थिंक सो तुम उसके बाद बचने वाले हो। मेरे को इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो तुम दोनों ने घोटाला कराया, तो भाई देख ले 2-3 दिन है, उसके बाद तो तू वैसे बैन होने वाला है, तो भाई कर ले भाई अपने 2-3 दिन यहाँ पे मौज काट ले भाई। क्या चल रहा है, मैं क्यों बैन होऊंगा यार? भाई तेरे को सब पता है, तू क्यों होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है भाई चलता, अपना देख ले तो अपने हिसाब से देख। अब बल्कि की बातों से लग रहा था कि मैंने जिस जगह पर अपने पैसों को छुपाया था उसको उसके बारे में पता चल चुका है और इसलिए अब मैं सीधा उस लोकेशन की तरफ भागता हूँ। तो गाइस इस बार बल्कि कुछ ज्यादा ही भाई जोश में बोल रहा था, पता नहीं भाई कहीं उसने जहाँ पर मैंने पैसे छुपाए थे वो जगह तो नहीं उड़ा दी। वेट, नहीं हो सकता ये भाई। उस जगह पर 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट, मैंने जितना भी हमारे पास पैसा था मैंने वहाँ पे सारा छुपाया था। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वेट, बिल्कुल जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, मैंने यही कहीं छुपाया था उस पैसे को। कहाँ था भाई इसके बाद? हाँ इस साइड जाना था। नहीं, मैंने यहीं कहीं छुपाया था, मेरे को अच्छे से याद है, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है। बल्कि अगर तूने उस पैसे के साथ कुछ किया होगा तो भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वेट, नहीं, शिट, गाइस
इस जगह को बल्कि गैंग ने उड़ा दिया। तो अगर उनके हाथ में सल्कर बॉक्सेस लगते तो वो इस जगह को उड़ाते नहीं, और अगर उन्होंने इस जगह को उड़ाया मतलब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, और साथ ही मेरे 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए वो पूरे के पूरे सर्वर से गायब हो चुके हैं। शिट, अब शायद बल्कि ने मेरा पीछा किया था और उसने देख लिया था कि मैंने यहाँ पर कुछ किया है, और जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने इस जगह को उड़ा दिया, और अब ना मेरे हाथ में पैसे थे, और अब जल्दी एडमिन के वापिस आते ही मैं सर्वर से बैन होने वाला था। बट एडमिन को आए 2 दिन हो गए हैं और तू अभी तक बैन नहीं हुआ, क्या चल रहा है? वो सब छोड़, तू मेरा बैलेंस चेक कर। भाई ये 50,000 कहाँ से? भाई मैंने एडमिन को इतना प्रूफ दिया भाई, सब कुछ दिखाया, फुटेज दिखाई, सब कुछ दिखाया उसको, तेरे पास अभी 50,000 रुपए भी हैं और तू बैन भी नहीं हुआ, भाई कैसे? अब बल्कि को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है, बट असलियत में इस पूरे गेम का हर एक सिंगल स्टेप मैंने पहले से प्लान कर रखा था। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि बल्कि के पास इतने प्रूफ होते हुए भी मैं सर्वर से बैन क्यों नहीं हुआ, तो आओ चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे, जब हमने बैंक हाइस्ट करी थी। रेक्सी भाई, यस ब्रो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि देखो इस मिशन को हमने कंप्लीट कर तो लिया है, हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं, लेकिन एक दिक्कत वाली बात यह है ना कि अब सर्वर में काफी लोगों को पता चल चुका है कि हमने पैसे चुराए। सबसे पहले सेनपाई को तो कंफर्म पता है कि हमने पैसे चुराए, सेनपाई के बाद वोल्ट को भी पता चल चुका है ना कि हमने पैसे चुराए हैं। वही, और वोल्ट ने किसको बताया? बल्कि को। तो अब सर्वर में 3 बंदों को हम पे शक है कि हमने पैसे चुराए हैं, और अभी के लिए जैसे ही लोगों को पैसे मिलना बंद हो जाएंगे मिशन करने के बाद, वो जाके एडमिन को बोलेंगे, और जब एडमिन चेक करेगा और सर्वर में सारी जांच पड़ताल होगी तो सीधा शक हम दोनों पे आएगा और हम सर्वर से हो जाएंगे परमानेंट बैन। क्योंकि इस बार सर्वर का ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल था कि कोई भी पैसे के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन अब करें क्या? तो चुरा लिया ना, मतलब चुरा लिया भाई। भाई मेरे हिसाब से ना हमारे पास 3-4 करोड़ रुपए है, या फिर ये पूरे सर्वर का इकोनॉमी एक ही बार में तो नहीं ना हमने ले लिया पूरे सीजन का? पूरे सीजन का मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे सर्वर में जितनी भी मनी यूज होने वाली थी वो हमने सारी की सारी चुरा ली। रेक्सी भाई मेरे हिसाब से हम सही नहीं कर रहे यार। सही हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं, पर बचने के लिए अब क्या करें ये है। यार रेक्सी भाई एक काम करते यार, ये सारे पैसे वापस रख देते यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे बट टेडी भाई नहीं रख सकते अब वापस यार, समझो फोड़ वोड़ दिया हमने वो एरिया को, उसको रख लेते हैं ना अभी के लिए, देखा जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा ही पैसे चुरा लिए थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरा प्लान था कि हम इन पैसे को वापस रख दे, बट रेक्सी ये मानने को तैयार नहीं था, और साथ ही अब हमने चोरी करी ली थी तो फर्क नहीं पड़ता था कि हम पैसे वापस भी रख दे, क्योंकि हमने सर्वर का रूल तोड़ दिया था इसलिए हमारा बैन होना तय था, और इसी बैन से बचने के लिए मैं एक प्लान बनाता हूँ। तो रेक्सी भाई एक दिन सोचने के बाद मैंने कमाल का प्लान बनाया। ओ वाह, बताओ बताओ बताओ। तो देखो सर्वर में 3 बंदों को बात पता चल चुकी है कि हमने पैसे चुराए हैं, ठीक है, और जल्दी ये बात पूरे सर्वर में फैल जाएगी, तो क्यों ना पूरे सर्वर का पागल बनाया जाए। कैसे? देखो हम करने वाले हैं सर्वर में ड्यूपिंग, और वो भी करेंसी की। बट करेंसी का ड्यूपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल है, देखो पहली बात हमको पता करना पड़ेगा कि सर्वर में जो करेंसी आई है वो मोड के थ्रू आई है या फिर प्लगइन के थ्रू, और जैसे ही हमको ये पता चलेगा उसके बाद मेरे पास एक बंदा है जिसको माइनक्राफ्ट की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, जो कि मोड और प्लगइन्स का बादशाह एकदम ये कह लो, और उसके पास मैं जाऊंगा और उसको ये बताऊंगा कि हमारे सर्वर में एक नया मोड या फिर प्लगइन आ चुका है जिससे करेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद मैं उससे बोलूंगा कि वो सर्वर में कोई एक ऐसा ग्लिच ढूंढे जिससे कि हम करेंसी को ड्यूप कर सके, उसके बाद हम करेंसी को ड्यूप करेंगे, देन इसके बाद हमने जितने पैसे चुराए हैं हम उनको वापस बैंक में जाके रख देंगे और फेक करेंसी को अपने पास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब एडमिन वापस आएगा तो बल्कि या फिर कोई भी बंदा एडमिन को जाके बताएगा कि रेक्सी और टेडी ने पैसे चुराए हैं, और उसके बाद जब एडमिन जाके वोल्ट चेक करेगा तो वहां पे असली पैसे रखे होंगे, और ऐसा करके एडमिन की नजर में पागल कौन बनेगा? पूरा सर्वर। आप भाई आपका आइडिया तो इतना अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या? वो पता कैसे चलेगा कि प्लगइन मॉड क्या है? ओके, तो देखो रेक्सी भाई इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। बताओ बताओ। जब डे 1 था और बल्कि सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था तो बल्कि ने बताया था कि इस सर्वर के जो करेंसी और बैंक बनाने में एक बंदे ने हेल्प करी है सर्वर के, जिसका नाम है डीजे। मैं जाऊंगा डीजे से और डीजे से नॉर्मली पूछूंगा कि सर्वर में जिससे करेंसी आई है वो मोड के थ्रू आई है या फिर प्लगइन के थ्रू, और मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरा गेम क्रैश हो रहा है, ऐसे करके मेरे को कुछ बग लगाना पड़ेगा, कुछ भी बहाना बना के उससे पूछ लूंगा। और आप तो ओनर भी हो सर्वर के, आपको तो वो बता ही देगा। हां मैं उससे थोड़ा फोर्स करूंगा तो वो मेरे को बता देगा। लेकिन हम लोग नकली पैसा क्यों छाप रहे हैं, मतलब उसका कुछ रीजन? नाइस क्वेश्चन। तो देखो नकली पैसे छापने के 2 रीजन है। हम नकली पैसे इसलिए छापेंगे कि सबसे पहले सर्वर में जैसे कि सबको बताया कि हम दोनों ने पैसे चुराए हैं, तो मैं सर्वर में ऐसा दिखाऊंगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूं, और मैं हमेशा अपने पास नकली पैसे रखूंगा कि इन केस अगर किसी ने मेरे को मार दिया या कुछ करा तो उनके पास आ जाएंगे नकली पैसे, और जब वो नकली पैसे लेकर एडमिन के पास जाएंगे तो हम उल्टा इल्जाम उन्हीं पे लगा देंगे कि उन्होंने करेंसी को डूब किया और हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं बल्कि को जानबूझ के अपने पीछे लगाऊंगा और उसके हाथ में वो फेक नोट दे दूंगा।
करूंगा। और दूसरी तरफ हम पता क्या करेंगे, हम जाएंगे सर्वर के एडमिन के पास और हम उसको बोलेंगे कि हमको पता चल चुका है कि सर्वर के सारे पैसे कहां पे रखे हैं, और दूसरी बात हमको पता चल चुका है कि सर्वर में नोट को ड्यूप कैसे कर सकते हैं। और ये बताने के बदले में एडमिन से हम मांगेंगे रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के तौर पे हम मांगेंगे उससे बहुत ज्यादा पैसे, मतलब कितने मांग सकते हैं, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख। भाई आपने ना, रुको भाई एक सेकंड, दूर रहना ठीक है, अरे पैसे रखो भाई, इतना अच्छा आइडिया बता दिया। मैं जा रहा हूँ डीजे के पास और डीजे से बात करके मैं सबसे पहले इस बात का पता करता हूँ, देन इसके बाद मैं फटाफट कुछ ड्यूप करने का तरीका ढूंढवाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं डीजे से जाके पूछता हूँ कि सर्वर में जो मनी आई है वो मोड के थ्रू आई है या फिर प्लगइन के थ्रू, और वो बिना मेरे से सवाल जवाब करे मेरे को बता देता है। काम करते इसको मैं यहीं पे रखा रहने देता हूँ। और दूसरी तरफ यार मेरे को इसमें से कुछ पैसे चाहिए होंगे क्योंकि मेरे को कुछ बंदे खरीदने, सिद्धार्थ और गेमबिट से बचने के लिए। भाई अरबो है हमारे पे, तो अरबो है, हम लोग पूरा सर्वर खरीद ले, आप क्या बोल रहे हो। और एक दिक्कत और है ना कि मेरे को ये पैसे इसलिए खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि अगर गेम बीट या सिद्धार्थ ने मेरे को मारा और गलती से भी अगर मेरे को ट्रैप में पकड़ के बैन कर दिया तो हम ये सारी चीजें कर ही नहीं पाएंगे और एडमिन को हम पे शक हो जाएगा और हम परमानेंट बैन हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मेरे को बंदे खरीदने पड़ेंगे। बात तो सही है, ठीक है रेक्सी भाई, मैं कुछ पैसे जस्ट इन केस वो बंदे भी आपको नहीं बचा पाते तो मैं हूं ना। अरे नहीं 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 रेक्सी भाई, तुम्हें इन पैसों की रखवाली करनी है, तुम्हें इन पैसों की रखवाली करनी है, तुम्हें किसी की नजर में नहीं आना, तुम्हें इस सीक्रेट बेस से बाहर नहीं निकलना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें अपनी इन्वेंटरी में पैसे रखने और इस सीक्रेट बेस से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि सिड और गेमबीट से लड़ने के लिए मैं पूरी की पूरी डाकू गैंग, ओएस, रोथेस्ट और युग को खरीद लेता हूं, और इसके बाद सिड और गेमबीट डर भी जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी ड्यूपिंग मशीन भी बनकर तैयार हो चुकी थी जिसका मॉडल मैंने पहले ही रेक्सी को भेज दिया था। अब एक तरफ मैं सिड और गेमबीट से लड़ने की प्लानिंग कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ रेक्सी उस मशीन को बना रहा था। और इतने में इन सारी चीजों को समेट कर वापस जाता हूं, तब तक अपनी मशीन तैयार हो चुकी थी। हेलो रेक्सी भाई, मशीन बन गई क्या? अरे ये देखो आपके स्कीमेटिक के हिसाब से तो बनाया है। लेट्स गो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। अब पैसे किसमें रखे हैं, इसमें रखे हैं क्या? ठीक है, तो मैंने बना तो दिया पर यूज करना भी जानता नहीं हूं, तो हाँ यूज करना मेरे को पता है, मैंने उस बंदे से बात करी है, जाके इसको पीछे से स्टार्ट करो। ओके ओके रुको, कर रहा कर दिया स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस चेस्ट में एक नोट रखना है बस, ठीक है काम हो गया। ओके लेट्स गो भाई, प्लीज ये काम कर जाए, चेक करने दो। ओ हो रही लगा, अरे अरे रेक्सी चेंज देखो, ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, रेक्सी भाई शुरू कर दो, रुक क्या रुक क्या रुक क्या रुक क्या, हो नहीं रहा, अरे हो गया, हां हो गया, जल्दी आ रेक्सी भाई, जल्दी 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 रुको 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 भाई। ओ शिट रेक्सी भाई, इतनी सी देर में एक स्टैक और भाई 32, रुको रुको कितने होते हैं, कितने पैसे होते हैं ये पता नहीं बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है तो। अरे यार भाई, हाँ हमारे पे 1,00,000 ज्यादा हो गए। अरे यार इतनी जल्दी इसने इतने कर दिए। रेक्सी भाई तुम एक बार असली नोट और नकली नोट को कंपैरिजन करो, दोनों के दोनों सेम है भाई, पता भी नहीं चल रहा। सर को ये नकली नोट अकाउंट में जाएगा? जा सकता है उसने बोला था चला जाएगा। रुको मैं चक्का तेरे को, चला जाएगा उसने बोला था, चेक करो। हाँ करो, थ्री एक ही करना। चला गया, डिपॉजिट हो गया। वही तो रेक्सी भाई, कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है अब अपनी मशीन परफेक्टली चल रही थी, तो अब हम प्लान करते हैं कि एक बंदा जितने भी असली नोट है उनको वापस बैंक में रख देगा और दूसरा बंदा पैसों को ड्यूप करेगा। रेक्सी भाई एक काम करते ना यार, हम दोनों जाएंगे ना तो मतलब इस मशीन का ध्यान कर रखेगा। एक काम करो ना, तुम जाके ये सारे पैसे जैसे रखे थे वैसे रखाओ और उस जगह को वैसे ही बंद कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने बहुत सारे फेक नोट ड्यूप कर लिए थे और दूसरी तरफ बल्कि मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था, बट उसको नहीं पता था कि मैंने उसके लिए कुछ अलग ही प्लान कर रखा है। तो रेक्सी भाई फाइनली 5 सल्कर बॉक्स भर के हमने नोट ड्यूप कर लिए और अभी के लिए ना मेरे को बल्कि का मैसेज आया है, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ और हो सकता है कि उसने मेरे को इसीलिए बुलाया हो क्योंकि लास्ट जब मैंने गेमबीट और सिद्धार्थ को डरा के भगाया था ना तो उसने मेरे से सवाल किया था कितने पैसे तेरे पास आकाश रहे और वो एडमिन के पास गया था। तो मैं जा रहा हूँ ये सारे पैसे लेके उसके सामने और हो सकेगा तो उसके सामने मैं इन सल्कर्स को कहीं पे गिरा दूंगा, छुपा दूंगा या फिर कुछ तो करूंगा जिससे कि उसका ध्यान इन सल्कर्स की तरफ जाए और ये फेक नोट वो रख ले, ठीक है? और फिर ये फेक नोट मिल जाएंगे बल्की बल्की को और फिर हम एडमिन को जाके बोलेंगे कि बल्की के पास वाले पैसे हैं। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बल्कि की गैंग से बात करने गया था तब मैं जानबूझकर अपने पास फेक नोट रख के गया था और इसके बाद मैंने जानबूझकर उनको अपने पीछे लगाया था। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब बस बल्कि और उसकी गैंग मेरा पीछा कर ले किसी तरीके से। अभी के लिए मैं थोड़ी देर सर्वर में रहता हूं और देखता हूं कि वो मेरा पीछा करते हैं या फिर नहीं। ओके बॉयज बॉयज बॉयज, वो चला गया बीसी से, जल्दी से इनविजिबिलिटी पोर्शन जो मैंने बोला था जल्दी लगाओ जल्दी। यस यस यस, आर्मर उतारो, टोटम्स उतारो, फॉलो फॉलो फॉलो,
फॉलो बॉयज, मेरे पल को फॉलो करते रहो, मेरा पल दिख रहा है उसको फॉलो करते रहो। कर रहा उधर सामने रहो, उधर वो देखो। हां सामने। अरे ऑक्सीजन की सेम टैग देखा है। चलो 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 फॉलो। वैसे भी देख सकता वो, ध्यान से अपनी इन्वेंटरी का थोड़ा ध्यान रखना। गाइस अभी मैं काफी दूर आ चुका हूँ और पता नहीं यार वो मेरा पीछा कर भी रहे हैं या फिर नहीं, और अगर उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया तो भाई मेरा प्लान फेल हो जाएगा यार। बल्कि और उसकी गैंग अभी सर्वर से उन्होंने लीव तो नहीं किया। और वेट अ सेकंड, मेरे को एक पल दिखी, वेट ये पल, ओके समझ गया भाई, वो मेरा इनविज होके पीछा कर रहे हैं और उनको लग रहा होगा कि मेरे को पता नहीं चल रहा। और ना अब मैं यहाँ पे थोड़ा इधर उधर होके देख लेता हूँ जिससे कि उनको लगे कि हाँ मैं कुछ सस्पिशियस करने वाला हूँ, और मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के मैंने इधर उधर देखा। एंड लेट्स गो गाइस, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं उनकी आंखों के सामने सल्कर बॉक्स छुपाऊंगा, उनको शक भी नहीं होगा। पहाड़ की साइड से, पहाड़ की दूसरी साइड से है नहीं यहाँ पे। अरे बल्कि कहाँ गया? बल्कि तूने बोला इधर है, तेरे को पता है वो किधर गया? किधर है वो भाई? कर रहा हूँ फॉलो, कहाँ गया वो? कहीं दिख नहीं रहा भाई। नहीं यहाँ पे भाई, यार भाई यही पे था वो। तेरे से ठीक से नहीं हो पाता भाई, तेरे पास एंड पल सुपर से हमारे पास तो है ही नहीं। अरे और मैं यही पे देखा था उसको, ये सीड लेके कौन घूम रहा तू? मैं यार यही पे, यही पे, यही पे था, यही पे था वो। कहाँ चला गया यार? तो मेरे हिसाब से परफेक्ट जगह है नकली नोट छुपाने की, और शायद उन्होंने मेरे को देख भी लिया होगा। उसका नेम टैग दिख रहा है, कुछ किया उसने? ये पल एप्पल पर उसको फॉलो कर रहा है गाइस। यस ये अभी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं। आराम से आराम से, बहुत ज्यादा मॉब्स है, मॉब्स है भाई, ज्यादा क्लोज जाएंगे तो पता चल जाएगा, बहुत ध्यान से करना। मॉब्स बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया वो इधर। जल्दी जल्दी गियर अप रिटर्न, उस जगह पे चलो। कोऑर्डिनेट्स गाइस, जगह उड़ा देते मैं तो बोलता हूं डिस्कनेक्शन का। यहां रुक अभी चेक करते हैं। टेंट है यार, वो यहाँ से निकला था, इधर से पता नहीं चल रहा। बॉयज एक काम करते हैं, सुनो, इस पूरी जगह को उड़ा देते हैं। लेट्स गो, उड़ा वेट व्हाट रिप्ले मोड में चेक कर सकते हैं। रुक चेक रिप्ले में, रिप्ले में मैं मेरी फिल्म चेक करता हूं, मेरी फिल्म चेक करता हूं। ओ ये रे मतलब ये देख, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देखो ये मैं रहा, ये मैं रहा, ये डी डी का इसका मतलब। हां इसका मतलब क्या, वो जल गए पूरा शोके से, ब्लैक कोई एविडेंस तो नहीं मिलेगा हमें फिर? एक सेकंड नहीं दिखेगा, एक सेकंड। ओ, मैं अपने लाइट मैटिक से भी चेक नहीं कर पा रहा, यूजुअली चेक कर सकता हूँ मैं। अब मेरा प्लान था कि वो इन फेक नोट्स के सल्कर को अपने पास रख ले, बट जब उनको सल्कर नहीं मिलते तो वो पूरी की पूरी जगह को उड़ा देते हैं जिससे कि सल्कर और फेक नोट्स सर्वर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मेरी थ्योरी है, मेरे को पक्का नहीं पता। वो सल्कर भर के लेके आया होगा, उसने यहाँ पे छुपाया होगा और वो छुपा के जो है लीव कर गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेव करके। तो यहाँ पे अब जो है दो चीज हो सकती है, हमने या तो जो काला पैसा था इस सर्वर का वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अभी टेक्निकली अगर टेडी की इन्वेंट्री में वो काफी और कहीं जगह पैसा ना हुआ तो जो है सारा काला पैसा जा चुका है, या फिर ये जो है सिर्फ पहली जगह थी जहाँ पे टेडी का काला पैसा था, और भी जगह ऐसा पैसा हो सकता है। तेरे पास कोई आइडिया है कि कितने अमाउंट में हो सकता है, क्योंकि हमने चार शल्कर बॉक्सेस देखे थे अभी तक? हाँ मतलब एक आइडिया की कितना हो सकता है अगर उन सब में। गाइस अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक शल्कर बॉक्स में 27 स्टैक होती है, तो 27 into 2000 then multiply by 64, एक शल्कर बॉक्स में आएंगे 34 लाख, और अगर वहाँ पे चार शल्कर बॉक्स थे we have 1,03,00,000 रुपीस bro, जो हमने अभी डिस्ट्रॉय करे अगर उसके अंदर 2,000 रुपए के नोट थे भर भर। तो भाई देख ले, दो तीन दिन है उसके बाद तो तू वैसे बैन होने वाला है, तो भाई कर ले भाई अपने दो तीन दिन यहाँ पे मौज काट ले। और गाइज इसके बाद जैसे ही एडमिन वापस आता है हम उसको जाकर सब कुछ बता देते हैं कि सर्वर में जहां पर पैसे रखे हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और दूसरी तरफ हम उसको एक बग भी बता देते हैं जिससे कि नोट ड्यूप हो सकते हैं। अब ना ही हमारे पास फेक नोट थे और ना ही हमारे पास चुराए हुए पैसे, और ऐसा बग ढूंढकर एडमिन को बताने के लिए हमको $1,00,000 गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। और इसके बाद एडमिन सर्वर से सारे पैसों को हटा देता है, उस नोट ड्यूपिंग मशीन के ग्लिच को भी फिक्स कर देता है, और अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा बल्कि इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो इसी के साथ मनी हाइस्ट की सीरीज यहीं पर एंड होती है।